हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ निम्बस डिफेंस अकेडमी एंड आई ऑल्सो वेलकम यू ऑल टू आर मिशन दैट इज मिशन इंग्लिश. माई नेम इज आंचल एंड आई एम डीलिंग विद इंग्लिश सब्जेक्ट. हमने एक सीरीज स्टार्ट की है मिशन इंग्लिश. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशनड दैट दिस सीरीज विल बी covering the entire syllabus of your defense examination for all CDS and NDA aspirants. Okay, and right now we have started with the first topic of grammar, that is nouns. अगर हम अपने first lecture की बात करें, मतलब इससे पिछले lecture की बात करें, तो we have covered the definition that what is exactly the noun is, how a noun can be located इन अ सेंटेंस. अगर वो एग्जैक्ट एक प्रॉपर या मटीरियल या एब्स्ट्रैक्ट या काउंटेबल या अनकाउंटेबल की लिस्ट में से नहीं है, तो एक नाउन की पहचान क्या होती है. आई हैव गिवन यू 7 to 8 पॉइंट्स. यू कैन वॉच दैट वीडियो बिफोर गोइंग टू द सेकेंड वन. ठीक है, तो हमने पहले नाउन्स को पहचानने वाला पॉइंट डिस्कस किया था, उससे पहले नाउन क्या होते हैं, एंड आफ्टर दैट आई हैव गिवन द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ नाउन्स. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टाइप्स ऑफ नाउन्स विद एग्जाम्पल्स. नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट. एक बार जब आपको किसी चीज का डेफिनेशन पता चल गया, हमें पता चल गया कि मतलब वो इंग्लिश में व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, नाउ इज हाउ टू यूज इट. अब नाउन्स के कुछ सर्टेन रूल्स हैं. ठीक है, जैसे मैथ्स में रूल होते हैं, अलजेब्रा के रूल्स होते हैं, वैसे भी हर टॉपिक में, ग्रामर की हर टॉपिक में कुछ सर्टेन रूल्स होंगे. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दोज रूल्स. देयर इज नथिंग लाइक 100% इन इंग्लिश, है ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. तो हम क्या करेंगे, आई विल बी टेकिंग एग्जाम्पल्स, विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस, एंड दोज क्वेश्चंस विल बी कवरिंग ऑल द रूल्स ऑफ नाउन्स. ठीक है, सो इन दिस क्लास ऑफ माइंड आई हैव ऑलरेडी टेकन फ्यू क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के साथ मैं आपको नाउन्स की जो एक्सप्लेनेशन है कि व्हाई दिस चेंज हैज टू बी मेड इन द पर्टिकुलर सेंटेंस एंड व्हाई द पर्टिकुलर सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. सो वंस अगेन आई वेलकम यू इन दिस Mission English, and you are well aware of this face. My name is Anchal Sharma, and guys, I have more than 7 years of experience in teaching, so you can trust me. ठीक है, blindly आप मुझ पे trust कर सकते हो. So let's start with noun 2. ठीक है, एक nouns हमारे हो गए हैं और एक nouns का lecture अभी चलेगा. ठीक है, so here is the question in front of you. Questions based on nouns. First question is, the parliament is divided on the bill. देखो, who is divided on the bill? Parliament. चलो हमें यहां से देख के ये तो पता चलता है कि जो parliament है वो एक noun है. अब अगर मैं parliament की बात कर रही हूं, ये कैसा noun है? Question ये है कि ये किस type का noun है, right? So guys, parliament. Don't you think it's a collection? It's a collection of ministers, members. It's a collection. अगर ये collection है, it means it's a collective noun. हमने कहा था collective noun हमेशा singular होते हैं. क्या होते हैं? Singular होते हैं. They are always singular. तो yes, अगर वो singular होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब. तो मैम ठीक तो है, द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड ऑन द बिल. नो, दिस इज नॉट राइट. व्हाई इट इज नॉट राइट? व्हाई इट इज नॉट राइट? द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड ऑन द बिल. जब फॉर एन एग्जाम्पल, ये हमारी पार्लियामेंट है, इसमें फॉर एन एग्जाम्पल प्लीज, ठीक है, बिल्कुल वो मत लेकर जाना. फॉर एन एग्जाम्पल, इसमें 5 लोग बैठे हैं. ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, 5 लोग बैठे हैं. 3 कहते हैं इन द फेवर, इन द फेवर ऑफ द बिल, और 2 है उसके अगेंस्ट. डिवीजन इसे ही बोलते हैं ना, डिवीजन मीन्स डिवीजन ऑफ थॉट्स.
इट मीन्स मेंबर्स हैव ऑलरेडी बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. हेयर इट विल एक्ट एज प्लूरल. दिस इज अ प्लूरल केस नाउ डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस. कलेक्टिव नाउन के केस में हमें सेंटेंस को देख के पहचानना है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. ठीक है. सो हेयर पार्लियामेंट इज डिवाइडेड. इट मीन्स इट इज एक्टिंग टू और थ्री और फाइव ग्रुप्स के में डिवाइड हो गई है ये चीज, इसलिए ये प्लूरल हो जाएगी. और अगर प्लूरल होगी तो आंसर विल बी द पार्लियामेंट आर डिवाइडेड ऑन द बिल. पार्लियामेंट्स नहीं लग जाएगा, पार्लियामेंट पार्लियामेंट ही रहेगा, बट इसकी जगह लग जाएगा आर. द पार्लियामेंट आर डिवाइडेड ऑन द बिल. सो इट शुड बी यहां पे क्या लगेगा आर. दिस इज द एरर. यू कैन गो थ्रू द सेंटेंस. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट वन. His brother committed thiefhood in his house. Thiefhood in his house. क्या commit किया? Thiefhood. हमें यहां से थोड़ा सा पता चल रहा है thiefhood क्या होता है? चोरी. Thief कौन होता है? चोर. अब यहां ना कुछ अटपटा सा वर्ड यही लग रहा है. ब्रदर कमिटेड, कोई बात नहीं, पास्ट सेंटेंस में लिखा है, इन हिज हाउस ओके है. इशू इज जो एक्ट है ना चोरी करने का, दैट इज नॉट थीफहुड, दैट इज थेफ्ट. सो यहां पे जो वर्ड ही यूज किया गया वो गलत किया गया. थीफहुड नहीं होता, जो चोरी की गई है थेफ्ट है. द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द कॉमन नाउन थीफ. As thief is a common noun, तो उसमें से abstract noun जो बन के आया है वो theft बन के आया है, ना कि thiefhood. I hope it's clear. So answer is committed. His brother committed theft in his house. Next one. He wears glass to aid his short-sighted eye. He wears glass to aid his short-sighted eye. देखो, there is a list, or you can say there are certain nouns which exist in plural form only. उनके पीछे से आप s को नहीं हटा सकते. Sorry, s को नहीं हटा सकते. वो हमेशा plural form में ही रहते हैं. Ants, scissors, when they are acting as nouns. लिख दिया शायद मैंने ants, sunglasses. They are always existing in a pair. Particulars, troops, tactics, valuables, luggages, belongings. There's a long list. वैसे ही he wears not a single glass, एक सिंगल ग्लास तो नहीं है ना, spectacles है. वैसे ही glasses, guys. It should be glasses. Let's see the exact explanation. This sentence intends to write spectacles made of glass, so we use plural glasses rather than glass. mess समझाना क्या चाहती हूँ कि जैसे स्पेक्टिकल की जगह स्पेक्टिकल्स यूज होता है, वैसे ग्लास की जगह ग्लासेस यूज होना चाहिए. नेक्स्ट वन. द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर चेस एज वेल एज ड्रॉट. देखो, कुछ ऐसे नाउंस हैं. देखो, मैं रूल्स करवा रही हूं साथ में. दीज आर नॉट क्वेश्चंस. मैंने क्या किया, रूल समझाने से पहले आपको एग्जाम्पल दिया है, सो दैट आप देख सको कि इस हम नेचुरली हम क्या करते हैं. नॉर्मली हम पहले रूल पढ़ेंगे फिर एग्जाम्पल्स रटेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना तो हम उन रूल्स को भूल जाते हैं. हम अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं. जब क्वेश्चन में हम वो पर्टिकुलर एरर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तब हमें समझ आ रहा है, अच्छा ऐसा रूल भी लग सकता है, ये गलती भी हो सकती है.
So first we are looking for an example. If we are able to find, then very fine. If even if we are not able to find, then also it's good, because we are going through the rules properly. The same board is used for chess as well as draught. Guys, there are certain nouns: measles, mumps, billiards, game, mathematics, subject, जिनके पीछे ना देखो एस लगा हुआ है, एस लगा है, हैं क्या ये सब सब्जेक्ट्स? सिंगुलर. मैंने पहले बताया सनग्लासेस, एंड्स, प्रोसीड्स, एसेट्स, ऐसे नाउन हैं जिनके पीछे से एस नहीं हटाया जा सकता, दे आर ऑलवेज प्लूरल. अब ये कुछ नाउन ऐसे हैं, दे आर हैविंग एस, डेफिनेटली दे आर हैविंग एस, उनको उसके एस को रिमूव नहीं किया जा सकता, स्टिल दे आर सिंगुलर. हेयर सेम वर्ड इज यूज फॉर चेस एज वेल एज ड्रॉट्स. जो गेम है ना वो ड्रॉट्स है, ना कि ड्रॉट. तो क्योंकि वो सिंगुलर है तो ये नहीं कि उस पर एस हटा दिया जाए, उसका एस कंटिन्यू रहेगा. यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन. द गेम इज नॉट ड्रॉट बट ड्रॉट्स. द सेम वर्ड इज यूज फॉर, यहां पर आएगा यूज फॉर, पे आएगा यूज्ड. ब्लैक तो आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा. यूज्ड फॉर, सॉरी यहां नहीं, यहां पे यूज्ड फॉर चेस एज वेल एज ड्रॉट्स. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट वन, टेक केयर ऑफ द विक्सन बिकॉज दे आर विली क्रीचर्स. देखो टेक केयर ऑफ द विक्सन बिकॉज दे आर, इट मीन्स उन्होंने लिखने की क्या कोशिश की है, उन्होंने लिखने की कोशिश की है इसको प्लूरल सेंस में, लेकिन जेंडर चेंज कर दिया उसका, फॉक्स का विक्सन बना दिया. होना क्या चाहिए था, फॉक्स विक्सन इज द फेमिनिन जेंडर. देखो फॉक्स जिसे बोलते हैं ना हिंदी में लिंग बदलो, दैट इज फॉक्स का विक्सन, इन्होंने ये बना दिया. तो विक्सन इज दी फेमिनिन जेंडर ऑफ फॉक्स, स्त्रीलिंग पुलिंग, नॉट इट्स प्लूरल. अगर आप फॉक्स का प्लूरल बनाओगे तो बनेगा फॉक्सेस. तो टेक केयर ऑफ द विक्सन नहीं, टेक केयर ऑफ द फॉक्सेस. फॉक्सेस के टेक केयर करो बिकॉज दे आर विली क्रीचर्स. नेक्स्ट वन, who will win if there is a contest between the dwarfs and the giants. Guys, again, हो सकता है ना, हम ठीक है, हम बहुत बड़े हो गए हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमें चेंज द जेंडर ही ना आता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो dwarf वर्ड है, dwarf, जो dwarf है उसका जो जेंडर चेंज करके आपने लगाया, वो आपने ड्वार्फ्स लगा दिया, वो ड्वार्फ्स नहीं है, वो सिंपल ड्वार्फ्स लगेगा. जायंट का जैसे जायंट्स बना ना, वैसे ड्वार्फ का ड्वार्फ्स बनेगा, ड्वार्फ्स नहीं आएगा. तो कई बार हमें जेंडर में भी इशू रहता है, हमें लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ चेंज द जेंडर पढ़ लेने चाहिए, सो दैट कि वी आर एबल टू लोकेट दी एरर. बहुत सिंपल सा एरर आता है लेकिन हमारी आंखों के सामने से निकल जाता है. टाइम पासेस इन इट्स चैरियट मेजेस्टिकली. देखो दिस सेंटेंस ना, ये थोड़ा सा ना सिंबॉलिक सा सेंटेंस है, चैरियट रिलेटेड टू हॉर्सेस, पार, रथ एंड ऑल, है ना. तो टाइम पासेस इन इट्स चैरियट मेजेस्टिकली, इसमें क्या किया है, इसमें इस वर्ड को मैस्कुलिन, टाइम इज पर्सोनिफाइड, टाइम को एक मैस्कुलिन जेंडर के साथ रिलेट किया है. ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर के साथ रिलेट किया है, और अगर इसको मैस्कुलिन जेंडर किया है, मैंने आई थिंक ये जेंडर नाउन जेंडर करवाया था, कॉमन जेंडर की वो डिफरेंशिएशन करवाई थी, जिसमें मैंने मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर करवाया था, न्यूटर एंड आई थिंक कॉमन जेंडर मैंने करवाया है आपको. ठीक है,
और जब मैस्कुलिन मैंने डिस्कस किया था कि जब किसी जेंडर या करेक्टरिस्टिक्स को आप मैस्कुलिन के साथ जोड़ते हो तो उसका जो प्रोनाउन लगेगा फिर वो मैस्कुलिन लगेगा, तो इन इट्स चैरियट नहीं, इन हिज चैरियट, क्योंकि जब मैं इसको ले ही मेल रही हूँ मेल, तो फिर मैं उसके साथ इट्स क्यों लगाऊंगी, मैं हिज लगाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, द प्रैक्टिसेस ऑफ द लॉयर्स वेरी फ्रॉम दोज ऑफ द डॉक्टर्स। यस, द प्रैक्टिसेस ऑफ द लॉयर्स वेरी फ्रॉम दोज ऑफ द डॉक्टर्स। यस गाइस, प्रैक्टिसेस, हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में लोगों की जो डिफरेंट प्रोफेशन है। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस इज द प्रोफेशन, तो प्रोफेशन का कोई प्लूरल फॉर्म थोड़ी ना होगा। प्लूरल फॉर्म क्यों होगा? इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस। वो जितनी एक एक बार की गई भी प्रैक्टिस है, 10 बार की गई भी प्रैक्टिस है, तो देयर इज नो प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, आई होप कुछ समझ आ रहा है। नेक्स्ट वन, द ब्राइट लैम्प्स गेव मच लाइट्स। The bright lamps gave much lights. मैम पता तो चल रहा है कि lights नहीं होना चाहिए, light होना चाहिए। क्यों? अगर एक light light देती है तो क्या लगता है दो light lights देगी? एक light रोशनी देती है तो दो तीन बल्ब लग जाएंगे तो रोशनियां हो जाएंगी, रोशनी होगी ना। Light is not countable, guys. It is uncountable nouns. It is uncountable noun. तो ये होगा light, ना कि lights. The bright lamps gave much light. क्योंकि uncountable nouns के साथ s नहीं लगता। ठीक है, next one. Devi is anand of our chess class. देखो यहां पे क्या है, देवी, देवी इज आनंद ऑफ आर चेस क्लास। हु इज देवी? देवी एक भाई बंदा है, ये लो ये बंदा है। आनंद कौन है? जो हमारा नोन पर्सनालिटी फॉर चेस है ना, प्लेयर। अब क्या है, हमारी क्लास में अगर बोलो ना तो कोई बेस्ट है वो है देवी। अब देवी को मैंने रिलेट किया है आनंद के साथ, कंपेयर किया है, रिलेट किया है आनंद के साथ। तो जब आप रिलेट करते हो, कंपेयर करते हो, देन यू डोंट राइट इट एज इज, इट शुड बी देवी इज द आनंद ऑफ आर चेस क्लास। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वन, You will be promoted in the time of a year. In the time of a year. देखो, time. जब years time, साल के अंदर अंदर, when you say ना साल के अंदर अंदर, then it should be years time. आपको possessive case लाना पड़ेगा, एक साल, क्योंकि time is a part of the year. वो time जो एक साल का part है उसका subset है, तो यहां पे आएगा पोजेसिव केस। ठीक है, एंड पोजेसिव इज यूज्ड विद नाउन डिनोटिंग टाइम। जो नाउन टाइम को डिनोट कर रहा है उसके साथ आप पोजेसिव केस लगाओगे। आई होप ये रूल ये दिमाग में आपके पड़ गया है, नाउन के साथ आपको पोजेसिव केस लगाना है क्योंकि वो एक टाइम को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट वन, The cup's base was rounded. देखो, अगर मैं apostrophe की बात करती हूँ, apostrophe की बात करती हूँ, तो बच्चे ये living के साथ लगता है, non-living के साथ नहीं लगता। Cup's base नहीं, the base of the cup was rounded. नेक्स्ट वन, द अर्थ ट्रीट्स अस एज हिज चिल्ड्रन। देखो, मैंने ना आपके साथ नाउंस डिस्कस किए,
नाउंस में मैंने फिर से बोलूंगी मेल फैक्टर, फीमेल फैक्टर, न्यूटर फैक्टर और कॉमन फैक्टर चेंज डिस्कस किया। जब मैं अर्थ की बात करती हूँ ना, तो मैं उसको लेकर जाती हूँ फीमेल कैरेक्टर में, मदरली, है ना। तो यहाँ पे हिज चिल्ड्रन नहीं आएगा, यू विल कंसिडर इट एज फीमेल। तो इट शुड बी द अर्थ ट्रीट्स अस एज हर चिल्ड्रन, नॉट स्ट्रेंजर्स। ऐसे ढूंढना है। नेक्स्ट वन, द फ्लीट ऑफ शिप्स मूव एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यस, अगेन कलेक्टिव केस। फ्लीट, फ्लीट क्या है? शिप्स का ग्रुप। द फ्लीट ऑफ शिप्स जब कलेक्टिव नाउन है तो ये क्या होगा? सिंगुलर। और अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ आएगा एस और ईएस। इट मींस द फ्लीट ऑफ शिप्स मूव नहीं, द फ्लीट ऑफ शिप मूव्स। द फ्लीट ऑफ शिप्स मूव्स एट अ यूनिफॉर्म, एट एन यूनिफॉर्म स्पीड आएगा, वैसे यू नहीं, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड अ ही आएगा। द फ्लीट ऑफ शिप्स मूव्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वीन एलिजाबेथ इज द मोनार्कस ऑफ इंग्लैंड। देखो, मोनार्कस बोला है उसको, क्यों? क्योंकि वो फीमेल है। बट भाई, क्या सच में ये वर्ड एग्जिस्ट करता है? जैसे किंग का क्वीन है, तो क्या मोनार्क का मोनार्कस है? नहीं है। मोनार्क का कोई फेमिनिन जेंडर नहीं है। मोनार्क इज कॉमन। क्वीन एलिजाबेथ इज द मोनार्क ऑफ इंग्लैंड, मोनार्क इज कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट वन, इट्स कॉमन जेंडर नाउन जो दोनों के लिए यूज होते हैं, ठीक है। द टीम कैंप्ड एट नामकम, दे फॉलोड अ रिगरस रूटीन। हां जी, द टीम कैंप्ड एट नामकम, दे फॉलोड अ रिगरस रूटीन। देखो, टीम, जब बात टीम की चल रही है, टीम सिंगुलर केस है, फिर दे क्यों आएगा? इट, अगर टीम्स होता तो दे लगाते, इट शुड बी इट। यू कैन सी द आंसर। टीम लाइक आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन्स आर न्यूटर जेंडर, सो इट टेक्स द प्रोनाउन इट। टीम कैम डेट नाम कम, इट फॉलोड अ रिगरस रूटीन। आई होप ये क्लियर होगा आपको। देखो, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, इट शुड बी अ टिन। नाउ व्हाट इज द एरर? इट्स अ टिन इज अ प्रीशियस मेटल। क्वेश्चन एक्चुअल में ये है, कैन यू लोकेट एनी एरर? अ टिन इज अ प्रीशियस मेटल। बच्चे, टिन इज अ मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। टिन इज अ मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन विल नेवर टेक एन आर्टिकल बिफोर इट। तो यहां अगर ए लगा होगा तो आप उसे एरर में काउंट करेंगे। नेवर फॉरगेट, अ मटेरियल नाउन डजंट टेक एनी आर्टिकल बिफोर इट। नेक्स्ट वन, द मिल्क वुमेन सेड दैट शी वुड नॉट सप्लाई मिल्क ऑन हॉलीडेज। भाई, वो छुट्टियों में नहीं देगी दूध, किसी और को बुला लो, बाजार जाकर ले लो, वो नहीं आएगी। वुमेन आर ऑलवेज शोइंग देयर टेंट्रम्स, राइट? मिल्क मेड के भी है। चलो, हाँ जी, मिल्क वुमेन सेड दैट शी वुड नॉट सप्लाई मिल्क ऑन हॉलीडेज। कुछ एरर लग रहा है इसमें कि नो एरर है? कुछ गलती है ही नहीं, गलती है। मिल्क मैन, मिल्क मैन को अगर आप जेंडर चेंज करते हो तो इट इज मिल्क मेड, ना कि मिल्क वुमेन, ठीक है। इट इज मिल्क, इट्स मिल्क नॉट मिल्क, इट्स मिल्क मेड, ठीक है। नेक्स्ट वन, देखो, अब मैंने क्वेश्चन ऐसे बनाया है, थोड़ा सा सिर्फ क्वेश्चन की स्टाइल चेंज किया है, सेंटेंसेस। We padded the seat of the chair with camel hairs to make it soft. गलती कहाँ है? We padded the
seat of the chair with camel hairs to make it soft. Yeah, no error. Dhundo. We padded the, ठीक है, seat of the chair. एक ही चेयर की सीट है, ठीक है, विद कैमल हेयर्स, ऊंट के बालों के साथ, टू मेक इट सॉफ्ट. कुछ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है तो मैं बताती हूं. देखो जी, एक कैटेगरी बताई थी मैंने, अनकाउंटेबल नाउंस. अनकाउंटेबल नाउंस की लिस्ट बहुत लंबी है. इक्विपमेंट, फर्नीचर, हेयर इज वन ऑफ देम. हेयर, हेयर, दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स और उनके साथ एस नहीं लगता. दे आर ऑलवेज सिंगुलर. दे आर ऑलवेज सिंगुलर, उनके साथ एस नहीं लगेगा. हेयर, परसेंटेज, मिसचीफ, ज्वेलरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इनके साथ एस जो है वो नहीं लगता. तो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट वन, यू हैव गॉट अ होल वीक टू योर सेल्फ एंड यू कैन रीड टू योर हार्ट्स कंटेंट्स. एरर का, you have got a whole week to yourself and you can read to your heart's contents. देखो, नहीं समझ आ रहा. देखो, you have got a, तुम्हारे पास पूरा वीक है, I hope it is visible, तुम्हारे पास पूरा वीक है to yourself and you can read to your heart's content. Heart ka content, what is, there are two words, content and contents. Contents hoti hai bhai list, list of written stuff, kuch bhi, kuch bhi, koi bhi list ho sakti hai, ye index ho sakta hai, that is contents. This content has been derived from contentment. Contentment मतलब state of satisfaction. However, contents mean the things that are held or included in something. So this should be replaced with दिल की satisfaction to your heart's content. I hope this point is clear. Next one. था क्या कि कंटेंट और कंटेंट्स का डिफरेंस नहीं पता था हमें. कंटेंट्स होती है लिस्ट, कंटेंट होती है सेटिस्फेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इन द कॉर्नर ऑलमोस्ट हिडन फ्रॉम हिज फेलोज अ 40 इयर्स ओल्ड मैन वॉज सिटिंग हु डिड नॉट एंजॉय द सिंगिंग. यस, बट इन द कॉर्नर, लेकिन कॉर्नर में ऑलमोस्ट हिडन फ्रॉम हिज फेलोज, ऑलमोस्ट छुपके बैठा हुआ कौन, अ 40 इयर्स ओल्ड मैन वॉज सिटिंग, हु, किसने, हु डिड नॉट एंजॉय दी सिटिंग, जिसने सिंगिंग को एंजॉय नहीं किया. गाइस, अ न्यूमेरिकल नंबर, आज तो मैं समझा रही हूं ना, एमसीक्यूज हम बाद में करेंगे, आज तो मैं समझा रही हूं, डिस्कसिंग द रूल्स ऑफ नाउन्स बाय टेकिंग एग्जाम्पल्स. 40 years old man was sitting. 40 के बाद लग गया आपका nouns और noun को लगा दिया आपने s. फिर दोबारा से आया old man, इसका मतलब फिर से noun आ गया. अगर कोई number के बाद दो noun लगातार आ रहे हैं, अगर कोई number के बाद, numerical number, numerical digit के बाद, मतलब numeral के बाद दो number इकट्ठे आ रहे हैं, दो नाउन आ रहे हैं, एक नाउन विच इज फर्दर फॉलोड बाय नाउन, तो इसका हैस हट जाएगा भाई. 40 ईयर ओल्ड मैन, इट शुड बी 40 ईयर ओल्ड मैन. हेयर 40 इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव,
किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को, ईयर को. ईयर क्या है? नाउन. लेकिन उसके बाद फिर कौन सा नाउन है? मैन. दिस इज द एक्सप्लेनेशन. यू कैन गो थ्रू इट. नेक्स्ट वन, we had taken great pain to check the structural soundness of the coachwork. We had taken great pain. देखो यहां पे ना दो चीजें हैं, पता है कुछ डिफरेंस? हिंट है ये आंसर. ठीक, ये सेंटेंस ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. पेन और पेन्स में डिफरेंस पता है? बस इतना बता दो. नहीं पता तो सुनो. पेन, देखो, पेन्स मीन्स ग्रेट केयर और ट्रबल. बहुत ज्यादा पेन लेना किसी चीज के लिए, बट ट्रबल सहन करना. पेन का मीन्स हाईली अनप्लेजेंट फिजिकल सेंसेशन. मेरे पेट में दर्द है, दैट इज पेन. दर्द हो रहा है, दैट इज पेन. आई एम टेकिंग पेन्स टू टीच यू. मैं बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रही हूं, हार्ड वर्क. आई एम टेकिंग ट्रबल टू टीच यू गाइज द बेस्ट. दैट इज पेन्स. तो वी हैड टेकन ग्रेट पेन नहीं, वी हैड टेकन ग्रेट पेन नहीं, वी हैड टेकन ग्रेट पेन्स. Pains to check the structure soundness of the coach work. Next one. The central government has come up with a cash voucher to encourage people to spend their savings on good. देखो ये good जो है ना, ये है adjective. जब हम savings on good, सामान की बात करते हैं, वो होता है गुड्स. इकोनॉमी तो बहुत सबने समझा होगा, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज किसको बोलते हैं. तो इट शुड बी हियर द यूज ऑफ नाउन गुड इज इनकरेक्ट. क्यों? दिस इज सो बिकॉज देयर आर सम नाउन्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. गुड मीन्स कोई अप्रूवल, कोई एप्रिसिएशन, कोई वैलिडेशन, है ना. और गुड्स मीन्स मर्चेंडाइज और पोजेशंस, दैट इज गुड्स. गुड्स हो गया सामान, गुड हो गया एडजेक्टिव. सो इट शुड बी रिप्लेस्ड विद गुड्स. नेक्स्ट वन, आई ट्राइड टेकिंग टेबलेट्स फॉर द हेडेक बट दे डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट. देखो देर आर टू वर्ड्स, अफेक्ट इफेक्ट. ये इफेक्ट होता है किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट. व्हाट वर द फाइनल इफेक्ट्स? क्या आउटकम्स है? दिस इज असर डालना. लीव, क्या असर डालना इज अफेक्ट? अफेक्टेड, अफेक्टेड. दिस इज अ वर्ब, दिस इज रिजल्ट, दिस इज नाउन. सेंटेंस में क्या है? आई ट्राइड टेकिंग टैबलेट्स फॉर द हेडेक बट दे डिड नॉट हैव any effect. उनका कोई असर नहीं हुआ. You can see the explanation. Affect is a verb. Affect is a verb. Effect is a noun. ठीक है, which means result of something. Next one. In the case of the गिनी पिग, द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स वेरीज बिटवीन 2 to 5. एरर कहां पे है? द केस ऑफ द गिनी, बिटवीन 2 to 5 ऑफ ऑफस्प्रिंग्स वेरिंग पिग, वेरिंग पिग द नंबर. वेरीज बिटवीन 2 to 5. ओके, कट आउट दिस फोर्थ ऑप्शन. ये कुछ अजीब सी है, कट आउट दी फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि आंसर भी फर्स्ट थ्री में ही आपको मिल जाएगा. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. ये है ऑफ स्प्रिंग्स का इशू. सुनो, कुछ नाउन बच्चे ऐसे हैं, कुछ नाउन, ये भी एक कैटेगरी ऑफ नाउन्स एग्जिस्ट करती है,
सिंगुलर एंड प्लूरल वर्जन ऑफ फ्यू नाउन्स आर सेम, मतलब आपको एक डियर के लिए भी डियर लिखना है, आपको टू डियर के लिए भी डियर लिखना है, आपको एक शीप के लिए भी शीप लिखना है, आपको टू शीप के लिए भी शीप लिखना है, वैसे ही आपको एक ऑफस्प्रिंग के लिए भी ऑफस्प्रिंग लिखना है और मैनी के लिए भी ऑफस्प्रिंग लिखना है. सो एरर इज ऑफस्प्रिंग. डियर, शीप, सीरीज, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, फिश, ज्यूरी, ये सब जो वर्ड्स हैं ये इसी कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट इंटरेस्टेड हाफ वे थ्रू दी फिल्म. जब हम बोल रहे हैं ना, गलती वहीं से पता चल रही है. इंटरेस्टेड, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग, दिस इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव नहीं लगेगा. व्हाट यू लॉस्ट, यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन समथिंग. एडजेक्टिव नहीं, इट इज इंटरेस्ट. लॉस्ट इज व्हाट, वर्ब. वर्ब के बाद हमें नाउन की जरूरत है भाई. इंटरेस्ट है नाउन, इंटरेस्टेड तो एडजेक्टिव है. तो यहां पे आएगा अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट इंटरेस्ट हाफ वे थ्रू द फिल्म. यू कैन गो थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन, आई हैव रिटन एंड एक्सप्लेन्ड हियर. सेवरल डजन्स काउंसलर्स वॉक्ड आउट ऑफ द मीटिंग इन प्रोटेस्ट. Walked out of the meeting in protest. Yes, A, B, C, D, E. या no error. कोई भी error नहीं है तो भी बता दो. सोचो. बहुत easy error है इसमें भी. देखो. चाहे आप इसको singular बना दो. कुछ words ऐसे हैं. चाहे इसको plural बना दो. एक भी डजन ही है, दस भी डजन ही है. एस नहीं लगेगा बच्चे इनके साथ. दे विल नॉट कैरी एस. हैज द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ डजन इज सेम, डजन शुड बी फॉलोड विद अ प्लूरल नाउन. ठीक है, तो रिप्लेस डजन्स काउंसलर्स विद डजन काउंसलर्स. डजन काउंसलर्स, नाउ इट इज राइट. डजन काउंसलर्स, इसके साथ एस लगाने की जरूरत नहीं है. आगे प्लूरल नाउन लगा है ना, बस ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट वन. ऑर्डर हैज बीन इश्यूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बी, बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार. सी एंड नो एरर. यस, देखो. वेन एवर ऑर्डर, वर्ड इज ऑर्डर. ऑर्डर इज इंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन सेट ऑफ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस. एक मिनट गाइस. सेट ऑफ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा, तो ये ऑर्डर नहीं होगा. ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स निकले हैं, ऑर्डर्स. और ऑर्डर्स वर्ड है तो इट शुड बी ऑर्डर्स हैव बीन इशूड. ऑर्डर्स हैव बीन इशूड, ना कि हैज बीन इशूड. आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है. ठीक है, नेक्स्ट वन. The morale of the army was high because the news coming from the front are very encouraging. देखो, मैंने पहले भी करवाई words. News
ड्रॉट्स जहां पे मैंने गेम करवाई थी, बिलियर्ड्स, मम्प्स, मीजल्स एटसेट्रा, ऐसे वर्ड है ना जिनके पीछे एस लगा है भाई, न्यूज, इसके पीछे एस लगा है तो इसे प्लूरल बना दोगे? इट शुड नॉट बी आर, इट शुड बी इस, ये सिंगुलर है भाई, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, इज वेरी इनकरेजिंग. नेक्स्ट वन, सी, आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स. सिंपल सी कहानी है, एपोस्ट्रॉफी के केस में एक और एडिशनल पॉइंट है, यहां पे डिस्कस करती हूं. जब समबडी एल्स आता है ना, समबडी एल्स मतलब ये क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन, समबडी के बाद एल्स आता है, तो उस केस में एपोस्ट्रॉफी इधर नहीं लगता, एपोस्ट्रॉफी इधर लगता है. दिस इज अ रूल ऑफ नाउन, एपोस्ट्रॉफी इनडेफिनिट के साथ नहीं लगेगा, एल्स के साथ लगेगा. सीधी आंसर, समबडीज एल्स. सो आई होप वी हैव डन 30 क्वेश्चंस, ठीक है, जो रूल्स हैं, रूल से ज्यादा हमने क्वेश्चंस किए हैं, और हर एक क्वेश्चन में जो कोई रूल है वो दो या तीन बार मैंने रिपीट करने की कोशिश की है. आई होप दीज रूल्स विच आर द रूल्स फ्रॉम नाउन्स टॉपिक आर वेरी क्लियर टू यू, ठीक है. मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ और सिर्फ ये एडवाइस दे रही हूँ कि वीडियो को रिपीटेटिवली देखो, बार बार रिपीट करके देखो, अपने नोट्स बना लो. दीज थिंग्स, दीज क्वेश्चंस, दीज रूल्स आर सफिशिएंट. क्वेश्चन चेंज हो सकता है, 2+2 की जगह 3+3 आ सकता है, 2+2 की जगह 4+2 हो सकता है, लेकिन सिस्टम रूल्स सेम रहेंगे, ठीक है. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द लेक्चर. You guys can contact us on 8558000333. आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, निम्बस डिफेंस अकेडमी. फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट अस. ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइज, सी यू इन आर नेक्स्ट लेक्चर.